नमस्कार दोस्तों, नॉलेज की चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। गिरते हुए यूजर केबल टीवी पर, केबल टीवी ऑपरेटर को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। केबल टीवी के यूजर बहुत ज्यादा कम हो रहे थे, इसी को देखते हुए केबल टीवी ने पिछले दिनों केबल टीवी वालों ने एक मीटिंग की थी। जो केबल टीवी की संस्था है उन्होंने एक मीटिंग की गई, उस मीटिंग में इस पर बहुत ज्यादा चर्चा की गई कि उनके जो यूजर गिर रहे हैं लगातार, जो उनको छोड़कर डीडी फ्री डिश पर जा रहे हैं या किसी भी प्राइवेट टाटा स्काई पर, एयरटेल पर, वीडियो कॉल पर या डिश टीवी पर जा रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए, अपने यूजर को कैसे बचाया जाए, सेफ किया जाए, इसके बारे में उन्होंने बहुत सारी चर्चा की। तो इसको लेकर कुछ अपडेट सामने आए हैं कि उनकी मीटिंग में क्या हुआ। सबसे बड़ी बात तो एक ये आई जो उन्होंने सारा निचोड़ निकालने के बाद जो अनाउंस किया अपने केबल टीवी ऑपरेटर को कि उनको फ्री टू एयर के चैनल ज्यादा से ज्यादा देने चाहिए जिससे उनके यूजर उन्हीं के पास रहें। वो नहीं चाहते कि उनके यूजर उनको छोड़कर जाए, उनकी इनकम, उनका जो मंथली इनकम हो रही है वो कम हो जाए। इसी को देखते हुए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अब फ्री टू एयर के 200 से ज्यादा चैनल देंगे अपने यूजर को। यहां पर हम आपको एक बात बता दें, ट्रायल रूल के मुताबिक 130 रुपये में जो हमसे चार्ज लिया जा रहा है फ्री टू एयर का, 130 प्लस 18% जीएसटी का, अगर 153 रुपये लिए जा रहे हैं, वहां पर 100 चैनल देना जरूरी है। उससे अगर कोई ज्यादा देना चाहता है तो दे सकता है। पहले केबल टीवी वाले भी अगर कोई 100 से ज्यादा चैनल लेता था, 130 या 150 चैनल लेता था फ्री टू एयर के, तो उसको 25-30 रुपये 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते थे जो वो अपना केबल टीवी का चार्ज बताते थे। पर अब ऐसा नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा केबल टीवी पर, आपको ज्यादा से ज्यादा फ्री टू एयर के चैनल दिए जाएंगे। इससे इनको भी एक फायदा होगा क्योंकि जो फ्री टू एयर के इनके पास चैनल ज्यादा दिखाए जाएंगे तो उनसे भी इनको कुछ ना कुछ इनकम होने की उम्मीद है कि वो भी इनको कुछ सहयोग करेंगे इनके बिजनेस में। इसके बाद एक और बात जो ट्राई की तरफ से निकल कर आई है, जो ये लॉक पीरियड के नाम पर अगर हम कोई भी चैनल खरीद लेते हैं, मान लीजिए हमने एक जी या सोनी या स्टार का या कलर का या स्पोर्ट्स का कोई भी चैनल ले लिया, तो वो लेने के बाद ये कह देते थे एक महीने तक या डेढ़ महीने तक या दो महीने तक आप इस चैनल को बंद नहीं करवा सकते। लॉक पीरियड में आपका चैनल चला जाता था कि आपको मिनिमम एक महीने के लिए तो ये चैनल लेना ही पड़ेगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रायल रूल की गाइडलाइन के मुताबिक आपको जो भी चैनल आप पे खरीदते हो, चाहे वो 5 रुपए का चैनल है, चाहे 50 पैसे का चैनल है, चाहे 19 रुपए का चैनल है, वो आप एक दिन का पैसा पे कर रहे हो। अगर कोई 19 रुपए का चैनल है तो आपको 19 को एक महीने पर डिवाइड करके एक दिन का चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ एक दिन के लिए लेते हो, आप किसी भी टाइम उस चैनल को निकाल सकते हो। ये लॉक पीरियड गलत है जो ये केबल या कुछ डीटीएच कंपनियां हम पर थोप रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप ट्राई की वेबसाइट पर जाकर ट्राई को कंप्लेंट डालिए। कई केबल ऑपरेटर पर यह कार्रवाई की गई है और डीटीएच कंपनियों को नोटिस गया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आपसे कोई भी यूजर किसी भी टाइम चैनल ले सकता है और उस चैनल को ड्रॉप कर सकता है, ऐसा ट्राई की गाइडलाइन में है। आप ट्राई को कंप्लेंट डालिए, उसको ईमेल करिए, उसकी वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट डालिए, आप उसको ट्विटर पर कंप्लेंट डालिए, कहीं भी डाल सकते हो। आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी दोस्तों। थैंक यू।